नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है फिर से नई वीडियो में। और इस वीडियो में आज हम बात करेंगे कि आप हेल्दी रूप से अपना वेट लॉस कैसे कर सकते हैं। बेसिकली वजन घटाने के लिए जो बहुत से लोग हैं वो जी तोड़ मेहनत करते हैं, फिर भी उनका वजन कम नहीं होता है। वेट लॉस करने के लिए आपको कुछ खास चीज़ें बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है, लेकिन लोग उन्हीं चीज़ों को नज़रअंदाज कर देते हैं जिसकी वजह से उनका वेट बढ़ने लगता है या फिर वेट कम नहीं होता है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि वेट लॉस करने के कुछ आसान तरीके और आसान टिप्स हैं जिन्हें आप घर बैठे आसानी से अपना सकते हैं और अपना जो वजन है एक सही समय में, मतलब कम समय में अच्छा लाभ आपको मिल सकता है। तो प्लीज़ वीडियो पर अंत तक ज़रूर से बने रहिएगा। तो वजन कम करने के लिए सबसे पहला टिप्स आता है कि आपको खाने पर विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि बहुत से लोग क्या होते हैं कि खाना खाने के समय वो मोबाइल चलाते रहेंगे, टीवी चलाते रहेंगे या कंप्यूटर पर कोई ना कोई काम करते रहेंगे। ऐसा करने से जो उनका दिमाग है वो कंप्यूटर, टीवी इत्यादि में लगा रहता है, जिसकी वजह से उन्हें ये पता नहीं होता कि वो कितना खाना खा चुके हैं और वो ओवर ईटिंग का शिकार हो जाते हैं। इसलिए मोटापा बढ़ने का सबसे बड़ा कारण यही होता है। इसलिए हमें यह ध्यान रखना है कि जब हम खाना खा रहे हैं तो केवल खाना ही खाएं। और वेट लॉस करने का जो दूसरा तरीका है कि आपको छोटी प्लेट में खाना खाना है, क्योंकि अध्ययन बताते हैं यदि आप छोटी प्लेट में खाना खाते हैं तो सामने वाला जो आपको जो खाना परोसता है तो वो थोड़ा परोसेगा। यदि आपका बर्तन बड़ा है, बड़ी प्लेट है आपकी, तो ज़्यादा खाना परोसा जाएगा, फिर आप ज़्यादा ही खाएंगे। इसलिए साइकोलॉजिकल भी और अध्ययन के मुताबिक ये माना गया है कि यदि आप छोटी प्लेट में खाना खाएंगे तो उससे आपका वजन जो बढ़ता है वो आपका कम बढ़ेगा। अपना वेट को घटाने के लिए पर्याप्त नींद लेना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि यदि आपकी नींद पर्याप्त नहीं होगी तो हमारे शरीर में कुछ ऐसे हार्मोनल बदलाव होते हैं जिसकी वजह से भूख बहुत ज़्यादा लगती है। यदि इन हार्मोन्स में उतराव चढ़ाव होता है तो ये वजन बढ़ने का एक कारण होते हैं। और जो लोग पूरी नींद लेते हैं और उसकी तुलना में जो लोग नींद नहीं लेते हैं उनका वजन बढ़ने की जो संभावना वो बहुत ज़्यादा रहती है। इसलिए प्रॉपर रूप से नींद लेने भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए 7 से 8 घंटे की नींद बहुत ज़रूरी है। हेल्दी रूप से अपना वजन कम करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट एक चीज़ और भी होती है कि खाने को हमें चबा चबा कर खाना है, क्योंकि चबा चबा कर आप खाना खाएंगे तो आपका पाचन सही रहेगा, आपका पेट सही रहेगा और आपके दिमाग को भी एक अच्छा मैसेज जाता है कि आप काफ़ी देर से चबा चबा कर खा रहे हैं तो आपका पेट फुल हो गया होगा और आप ज़्यादा ओवर ईटिंग के भी शिकार नहीं होंगे। इसलिए खाने को चबा चबा कर ही खाना है। नेक्स्ट है, आपको एक सकारात्मक बदलाव अपने जीवन शैली में करना है, क्योंकि बहुत से लोग एक साथ डाइटिंग करने लगते हैं और डाइटिंग करने के बाद उनका वेट तो कम हो जाएगा, लेकिन जब वो डाइटिंग छोड़ते हैं तो अचानक वेट फिर उसी तरह से बढ़ने लगता है। इसलिए हमें सकारात्मक सोच रखनी है, सकारात्मक अपनी जीवन शैली में बदलाव करना है। उसके लिए जरूरी है कि आप पौष्टिक आहार का सेवन करें। यदि पौष्टिक आहार आपका रहेगा तो आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा रहेगा और आपका वेट भी ज्यादा नहीं बढ़ेगा और वेट भी आपका संतुलित रहेगा। और इम्पॉर्टेंट तरीका एक और होता है कि हेल्दी खाना खाने के लिए आपके फ्रिज में कुछ ऐसा सामान होता है जो कि अनहेल्दी होता है, जो कि मिठाई इत्यादि हैं, चॉकलेट्स हैं, कोल्ड ड्रिंक्स हैं, तो इन चीज़ों का जो है आपका स्टोरेज है वो आपकी फ्रिज के अंदर भी नहीं होना चाहिए। यदि वो आपकी फ्रिज के अंदर हैं तो आपका मन भी उन्हें खाने के लिए करता रहेगा। यदि आप इस टाइप के अनहेल्दी फूड को खाएंगे तो आपका जो वेट बढ़ने का जो कारण है वो भी बहुत ज़्यादा ऐसे ही बना रहेगा। इसलिए ये जो अनहेल्दी फूड हैं आपको इनका सेवन बिल्कुल नहीं करना और इनको दूर रखना है। और एक नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट होता है मेटाबॉलिक रोग, मतलब हमारे शरीर में कुछ ऐसे मेटाबॉलिक रोग होते हैं जिसकी वजह से हमारा मोटापा बढ़ता रहता है, जैसे कि इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है, डायबिटीज़ का रोग होता है और हाइपोथायरॉयडिज्म होता है जिसमें थायरोक्सिन हार्मोन कम हो जाता है, और PCOD होता है, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज, जो कि महिलाओं की एक बीमारी है। यदि आपको इनमें से कोई सी भी बीमारी है
तब भी आपको वेट आपका बहुत जल्दी बढ़ने लगता है। यदि इस टाइप की कोई भी दिक्कत है तो इसकी वीडियोस मैंने पहले बनाया हुआ हूँ, आप चाहे उन वीडियो को भी देख सकते हैं। और साथ में आप अपने नज़दीकी डॉक्टर से जाकर पहले इन बीमारियों का इलाज कराएं। यदि आपकी ये बीमारी सही हो जाएंगी तो आपका वेट भी बहुत जल्दी कंट्रोल में आएगा और आपका वेट भी नहीं बढ़ेगा। तो इस वीडियो में केवल इतना ही। नेक्स्ट वीडियो इसका सेकेंड पार्ट है, क्योंकि बाकी तरीके मैं उस वीडियो में बताऊँगा, क्योंकि यदि इसी में सारे बता दूंगा तो ये काफी लंबी वीडियो हो जाएगी। तो वीडियो खत्म करने से पहले आप मेरे बारे में जान लीजिए, मैं हूं आपका अपना फैमिली हेल्थ कंसल्टेंट डॉक्टर एके सिंह, और यहां पर बातें होती हैं हेल्थ और फिटनेस की, और आपको सही जानकारी और सही सलाह दी जाती है। चलिए अब नेक्स्ट पार्ट को भी जरूर से देखना। थैंक यू।